कैथल में चीफ इंजीनियर सिद्दीकी जिले में मौजूद शुगर मिल के अंदर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाकर किसानों और चालकों को आने वाले खतरे से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी देते हुए शुगर मिल के चीफ इंजीनियर सिद्दीकी ने बताया कि बढ़ती सर्दी और धुंध को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आज धुंध के कारण होने वाले अनजान खतरे से बचाने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों को अपनाने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मौसम ठंड का धीरे धीरे बढ़ रहा है और ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत शाम के टाइम और सुबह के टाइम धुंध जो आती है उससे सड़कों पे काफ़ी दुर्घटना का भय बना रहता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हमारे शुगर मिल द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें हमने गाड़ियों पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियों पर और कुछ निजी वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए। लगभग हमने 100 से अधिक रिफ्लेक्टर लगाए और एक तरह से किसानों को, किसान भाइयों को और सभी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा एक संदेश दिया कि बता दें कि आने वाले समय में ठंड के चलते कोहरे का खतरा बन सकता है जिससे निपटने के लिए ये उपाय करे जा रहे हैं। ऐसे में वाहन चालकों को सरकार द्वारा जारी नियमावली को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन को कोहरे के अंदर धीमी गति से चलाएं और अपने वाहन पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें ताकि पीछे से आने वाले वाहन को आपके वाहन की जानकारी हो और कोई दुर्घटना ना हो। कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।